नमस्कार, मैं हूँ प्रशांत कटारे और आज एक बार फिर बात करेंगे बंगाल में अजगर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर की रेप और हत्या की। ममता बनर्जी का इस पर आज बहुत बड़ा बयान आया है। इस पूरे घटनाक्रम पर ममता बनर्जी दरअसल लगातार हो रहे डॉक्टरों के प्रदर्शन पर, न केवल पश्चिम बंगाल बल्कि देश भर में डॉक्टरों के प्रदर्शन पर आज ममता बनर्जी अब बोली हैं और वो कह रही हैं कि मैं जनता से माफी मांगती हूँ, मैं आम जनता से माफी मांगती हूँ और मुझे मुख्यमंत्री पद नहीं चाहिए। আশা করি মানুষ বুঝতে পারছেন, ওরা বিচার চায় না, ওরা চায় চেয়ার। আমি মানুষের স্বার্থে এমনকি নিজে পদত্যাগ করতেও রাজি আছি। আমার মুখ্যমন্ত্রীর পদ চাই না, কিন্তু আমি চাই মানুষ বিচার পাক, তিলোত্তমা বিচার পাক আর সাধারণ মানুষ চিকিৎসা পাক। ये ममता बनर्जी का आज का बयान है। अब इसमें कितनी सच्चाई, वाकई वो ये पद छोड़ना चाहती है या फिर उनका ये एक सियासी स्टैंड है या सियासी पोजीशनिंग है, पॉलिटिकल पोजीशनिंग है, ये अभी बाद में हम इस पर बात करेंगे। लेकिन थोड़ा सा पीछे जरूर हम चलेंगे, पुराने घटनाक्रमों पर जरूर चलेंगे कि आज का वाकई जो पीछे घटनाक्रम हुए हैं उससे इतने दबाव में आ गई ममता बनर्जी कि उन्हें इतना इतना बड़ा बयान देना पड़ा कि वो अब मुख्यमंत्री पद भी नहीं चाहती हैं। तो समझिए, जब ये 9 अगस्त को घटनाक्रम हुआ था कोलकाता के आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में, उसके बाद जो कार्रवाई वाकई सरकार को करनी चाहिए थी, प्रशासन को करनी चाहिए थी, पुलिस को करनी चाहिए थी, वो कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आई थी। जो सबसे पहला सवाल खड़ा हुआ था वो आर्जिकल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष पर खड़ा हुआ था। लेकिन क्या संदीप घोष पर त्वरित कार्रवाई की थी ममता बनर्जी ने? नहीं की थी। लगातार जो डॉक्टर्स थे वो उन्हें हटाने की मांग कर रहे थे, बर्खास्त करने की मांग कर रहे थे, लेकिन ममता बनर्जी ने नहीं की थी। कहा यह जाता था कि छत्र राज आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में संदीप घोष का चलता था, तमाम तरह की अनियमितताओं में संदीप घोष की संलिप्तता पाई गई थी, बावजूद उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। डॉक्टरों के लगातार प्रदर्शनकारी डॉक्टरों के लगातार दबाव के बावजूद जब ज्यादा दबाव बढ़ा तब केवल इतना किया ममता बनर्जी ने कि संदीप घोष को दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया बजाय उन्हें पद से हटाने के। लेकिन जब संदीप घोष को दूसरे मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों ने घुसने से रोक दिया, यानी कि एंट्री करने से रोक दिया, तब जाकर इसके बाद भी कहें तो स्वतः संज्ञान लिया कोर्ट ने और इसके बाद तब जाकर संदीप घोष को बर्खास्त किया गया। अब दूसरी बात, संदीप घोष के मद्देनजर जो कार्रवाई वाकई करनी चाहिए थी ममता बनर्जी को, वो कार्रवाई नहीं की। इसके अलावा अगर अब हम बात करें कुछ और मसलों पर भी, तो ममता बनर्जी का जो सियासी अंदाज रहा है वो अपने ही अंदाज में काम करती रही, यानी जो प्रदर्शन लगातार न केवल पश्चिम बंगाल बल्कि देश भर में हो रहे थे उसे सियासी बताती रही, यानी उसके पीछे बीजेपी और लेफ्ट पार्टियों को बताती रही, यानी इन तमाम प्रदर्शनों के पीछे सियासी दल थे। लेकिन ममता बनर्जी शायद ये महसूस नहीं कर पाई कि यह स्वस्फूर्त आंदोलन है एक ट्रेनी डॉक्टर की रेप और हत्या के बाद का। ऐसे बहुत सारे घटनाक्रम हुए जब ममता बनर्जी को लगा कि अब हाथ से उनके लगाम छूट रही है या हाथ से लगाम निकल रही है, तब ममता बनर्जी ने कई दूसरे तरीके भी अपनाए। खुद ममता बनर्जी सड़कों पर उतरी और आंदोलन किया, कहा कि वो आरोपी के लिए रेप के आरोपी के लिए फांसी की सजा की डिमांड करती हैं, खुद प्रदर्शन कर रही थी। सोचिए आप कि वो मुख्यमंत्री थी, उनके राज्य का ये घटनाक्रम था, बजाय उन्होंने सख्त कार्रवाई के खुद सड़कों पर उतरना ज्यादा बेहतर समझा। अब ये इसके बाद और जाइए आप, एंटी रेप बिल फिर ममता बनर्जी लेकर आई ये बात, ये साबित करने के लिए कि हाँ वो ऐसे आरोपियों के खिलाफ फांसी की सजा चाहती हैं और अपने एंटी रेप बिल में इसकी उन्होंने व्यवस्था भी की, बिल्कुल की, और ये भी कहा कि 10 दिन में फांसी दे दी जाएगी। हालांकि जब एंटी रेप बिल आया तो उसमें जो प्रावधान थे वो इससे थोड़े से हटके नजर आए। 10 दिन में वाकई कहने में अच्छा लगता है, लेकिन जो पैरामीटर थे वो मिनिमम, अगर जो लोअर कोर्ट है वो भी कम से कम 50 से 51 दिन में शायद आरोपी को फांसी की सजा सुना पाती। लेकिन इसके बाद लंबा एक प्रोसेस था कि उसके बाद हो सकता था जो आरोपी है दोषी जो सिद्ध दिया जा चुका था सेशन कोर्ट में, वो हाई कोर्ट भी जाता, वहाँ लंबी सुनवाई होती, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी वो जा सकता था, वहाँ भी सुनवाई होती, इसके बाद वो दया याचिका के साथ राष्ट्रपति के पास भी जा सकता था। तो ये केवल एक कहने वाली बात थी, लेकिन ममता बनर्जी को लगा कि वाकई राजनीतिक नुकसान बहुत बड़ा हो रहा है और हो चुका है, अगर हम कहें तो राजनीतिक नुकसान हो चुका है ममता बनर्जी का या टीएमसी का। उसके बाद शायद ममता बनर्जी अब
उन्होंने एक नया स्टैंड लिया है या नया कहें कि नया बयान दिया है कि मुझे मुख्यमंत्री पद नहीं चाहिए, मैं जनता से माफी मांगती हूं। हो सकता है कि शायद ममता बनर्जी ऐसा ना करें, लेकिन ये एक कहें सियासी स्टंट जरूर हो सकता है, सियासी बयानबाजी जरूर हो सकती है जनता में, आम जनता में अपने लिए सहानुभूति पैदा करने के लिए, ये कि भाई वो मुख्यमंत्री पद से इत्तेफाक नहीं रखती हैं, आम जनता उनके लिए सबसे पहले है। तो ये मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का इस वक्त का सबसे बड़ा बयान है। अब देखना होगा कि राजनीतिक दलों के इस पर क्या बयान आते हैं और वाकई क्या जो बयान वो दे रही हैं इस पर वो कायम भी हैं।